नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भृंगराज के बारे में बात करेंगे। भृंगराज का एक छोटा पौधा होता है जो कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। भृंगराज का उपयोग सदियों से भारतवर्ष में औषधि के रूप में किया जाता है। ये बालों की सबसे रामबाण औषधि है। दोस्तों, ये बालों की हर समस्या को दूर करता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को लंबा करता है और घने तथा काले बनाता है। इसलिए ही भारतीय आयुर्वेदाचार्यों ने इसे केशराज नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये शरीर की अंदर की और बाहर की दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। इसके अनेक प्रकार के लाभों से ही विश्व भर में ये प्रसिद्ध हुआ है। इसका आंतरिक उपयोग करने से ये रसायन की तरह काम करता है, यानी शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है। बालों को काला करने की सबसे प्रसिद्ध औषधियों में से भृंगराज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी सदियों से आयुर्वेद में भृंगराज का अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो त्वचा के कटने, छिलने और घाव आदि में भृंगराज बहुत उपयोगी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज के मरीजों को यदि घाव हो जाता है तो ये नहीं बढ़ता, लेकिन भृंगराज की पत्तियों को पीसकर रोजाना लेप करने से डायबिटीज के घाव भी शीघ्र भर जाते हैं। भृंगराज लीवर की एक रामबाण औषधि है। विदेशों में भृंगराज को फाल्स डेजी भी कहा जाता है। यह लीवर के साथ साथ किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाला एंटी माइक्रोबियल गुण लीवर को हेपेटाइटिस सी जैसी वायरल बीमारी से बचाता है। इसकी पत्तियों का ताजा रस निकालकर 10 से 15 मिली की मात्रा में रोजाना सेवन करने से किडनी और लीवर मजबूत बनते हैं। इसके अलावा इस पूरे पौधे को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रखें और एक एक चम्मच की मात्रा में पानी के साथ दिन में दो बार सेवन करें। दोस्तों, सदियों से सफेद बालों को काला करने के लिए भृंगराज का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को उम्र से पहले ही बाल सफेद हो गए हो, ऐसे लोगों को बालों को छोटा करके भृंगराज के पत्रों का रस निकालकर रोजाना मालिश करने से कुछ ही दिनों में अच्छे काले और घने बाल आने लगते हैं। दोस्तों, ये बालों की हर समस्या को दूर करता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को लंबा करता है और घने तथा काले बनाता है। जिन लोगों के बाल समय से पहले झड़ गए हो, भारतीय आयुर्वेदाचार्यों ने इसे इसके साथ बालों में रूसी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई हो तो भृंगराज एक कारगर औषधि है। भृंगराज के पूरे पौधे से तेल निर्मित किया जाता है जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, भृंगराज से बनाए हुए तेल का उपयोग करने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल काले बनते हैं और घने तथा लंबे बन जाते हैं। दोस्तों, भृंगराज पाउडर को नारियल तेल के साथ मिला लें और बालों की जड़ों में लगाएं और मसाज करें। इसके बाद बालों को एक या दो घंटे के छोड़ने के बाद किसी हर्बल शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। ये काम आपको सप्ताह में 3 बार अवश्य करना चाहिए और लंबे समय तक, यानी 2 से 3 मास तक करने से बालों की कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है।